जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी लाइफ 247 पर एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे के लेटेस्ट ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में। अगर आप एक रेलवे कर्मचारी हैं तो आप अपने ट्रांसफर जो है अपने मनचाहे जगह पर कैसे ले सकते हैं, रेलवे में ट्रांसफर कितने प्रकार की होती है, इसकी टाइम बाउंडेशन क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है, आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा पूरी जानकारी के लिए। चलिए हम लोग बिना किसी देरी किए हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे में मुख्य रूप से दो तरीके से ट्रांसफर होते हैं। पहला जो होता है वो होता है म्यूचुअल ट्रांसफर, जो कि काफ़ी पॉपुलर भी है। इसके अलावा जो दूसरा ट्रांसफर होता है वो होता है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के बारे में, फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल ट्रांसफर के बारे में। देखिए ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर का मतलब ये होता है कि आपके अपने खुद के रिक्वेस्ट पे ट्रांसफर। ये भी जो है तीन चार प्रकार के होता है। इसमें पहला जो होता है वो होता है इंटर रेलवे ट्रांसफर। इसका नाम आपने सुना ही होगा अगर आप एक रेलवे कर्मचारी है तो। ये काफ़ी प्रचलित है इंटर रेलवे ट्रांसफर, इसे सभी लोग लेना चाहते हैं। देखिए इंटर रेलवे ट्रांसफर में क्या होता है, जैसे भारतीय रेलवे में अभी कुल मिलाकर लगभग 18 से 19 जोन है अलग अलग। तो मान लीजिए कोई अगर ए नाम का एम्प्लॉई है वो किसी एक जोन में, भारतीय रेलवे के किसी एक जोन में, जैसे मान लेते हैं वो सेंट्रल रेलवे के मुंबई जोन में वो अभी काम कर रहा है वो एम्प्लॉई, और उसे जो है वो आना चाहता है जैसे कोई एक दूसरा जोन में जाना चाहता है, जैसे मान लेते हैं साउथ सेंट्रल रेलवे, अगर वो सिकंदराबाद में आना चाहता है, वो मुंबई जोन से सिकंदराबाद जोन आना चाहता है, वो अपना जोन अगर चेंज करना चाहता है, तो इसे ही जो है हम लोग यहाँ पर इंटर रेलवे ट्रांसफर कहते हैं। रेलवे ने इंटर रेलवे ट्रांसफर के लिए एक रूल लगा रखा है कि जिस जोन में आप प्रेजेंट में कार्य कर रहे हैं वहाँ पर कम से कम मिनिमम जो है 5 साल सर्विस आपका होना जरूरी है। कम से कम अगर आपका 5 साल सर्विस हो जाता है तभी जो है आप जाकर इंटर रेलवे ट्रांसफर के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। और फिर इसके बाद जो है आप अपने मनचाहे जोन में, जिस जोन में आपका घर है या फिर आप जिस भी जोन में चाहे वहाँ पर आप अपना ट्रांसफर करा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जैसे ही आप 5 साल के बाद अपना ट्रांसफर लगाए और तुरंत ही आपका ट्रांसफर हो गया, आप घर के पास चले गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। 5 साल बाद जो है आप वहाँ पर एलिजिबल हो पाते हैं कि आप अपना जो है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर डाल सकते हैं इंटर रेलवे, आप अपना जोन चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपसे पहले कई सारे आपके सीनियर लोग होंगे, वो लोग भी वहाँ पर ट्रांसफर लगा कर रखे होंगे। तो सबसे पहले जो है आपके जितने भी सीनियर लोग होंगे उनका पहले क्लियर किया जाता है, फिर सीनियरिटी के हिसाब से जब आपका नंबर आता है तो फिर आपकी प्रक्रिया शुरू होती है। तो वहाँ पर जैसे ही आप 5 साल के बाद लगाएंगे तो उसके बाद भी कम से कम जो है आपको 2 से 3 साल वहाँ पर लग जाते हैं इस प्रक्रिया को पूर्ण होने में। और ये डिपेंड करता है कि आपके जोन में जो है आपसे पहले कितने लोग वहाँ पर ट्रांसफर के लिए लगाए हुए हैं, तो वो इस पर भी डिपेंड करता है। तो कम से कम आपको मैंने बताया कि 2 से 3 साल, 5 साल के बाद लगाने के बाद भी 2 से 3 साल यहाँ पर लग जाते हैं इंटर रेलवे ट्रांसफर के लिए। इसके कुछ अपवाद भी है, आप जो है अपना इंटर रेलवे ट्रांसफर जो है 5 साल से पहले भी लगा सकते हैं, लेकिन जो है इसके लिए भी कुछ शर्त रखी गई है। शर्त क्या है, देखिए पहला है कि यदि कोई इम्प्लॉई हैंडीकैप्ड है, यानी कि अगर कोई इम्प्लॉई दिव्यांग है, तो वो जो है अपना इंटर रेलवे ट्रांसफर 5 साल से पहले भी लगा सकता है। इसके अलावा दूसरा जो है, यदि कोई इम्प्लॉई का बच्चा जो है वो डिसेबल्ड है, और वो यानी कि अगर कोई इम्प्लॉई का बच्चा दिव्यांग है और वो बच्चा जो है उसी कर्मचारी पर डिपेंड है, यानी कि उस बच्चा का देख रेख वही कर्मचारी करता है जिनका बच्चा जो है दिव्यांग है, तो फिर उस केस में भी जो है आप अपना इंटर रेलवे ट्रांसफर जो है 5 साल से पहले लगा सकते हैं। इसके अलावा तीसरा होता है स्पॉस कोटा ट्रांसफर। इसके अंतर्गत भी जो है आप यहाँ पर 5 साल से कम में ही आप अपना इंटर रेलवे ट्रांसफर लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि स्पॉस कोटा ट्रांसफर होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई भी रेलवे कर्मचारी है और उनका जो स्पॉस, जैसे कोई अगर पुरुष कर्मचारी हैं तो उनकी पत्नी हो गई, या फिर अगर कोई महिला रेलवे कर्मचारी है तो उनके अगर पति, ये दोनों में से कोई भी कहीं पे अगर वो गवर्नमेंट जॉब में है, चाहे वो कहीं भी हो और किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हो, या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया या फिर वो स्टेट गवर्नमेंट हो गया, अगर वो कहीं पे अगर जॉब में है तो फिर उस केस में जो है जो भी यहाँ पर रेलवे कर्मचारी है वो अपना ट्रांसफर ले सकता है अपने स्पॉस के पास। कोई अगर महिला है तो अपने पति के पास जा सकती है, और कोई अगर पुरुष कर्मचारी है, अगर उनकी पत्नी अगर जॉब में है अगर कहीं पर, तो वहाँ पर वो भी जा सकते हैं। तो इसी को जो है यहाँ पर स्पॉस कोटा ट्रांसफर कहा जाता है। और इस स्पॉस कोटा ट्रांसफर के लिए कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं होती है, इसमें कोई भी यहाँ पर 5 साल की सर्विस जरूरी नहीं होती है। आप जैसे ही यहाँ पर इंडियन रेलवे में ज्वाइन करते हैं और फिर आपका HRMS ID जो होता है और फिर एम्प्लॉयमेंट नंबर जो होता है वो जैसे ही आपका क्रिएट होगा उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं और आप अपना जो है स्पॉस कोटा ट्रांसफर लगा सकते हैं। इसके लिए जो है रेलवे का कहना है कि इसमें 6 महीने का समय लगता है, लेकिन अगर आप लगाते हैं कहीं अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी समय लगता है तो आप 1 से 1.5 साल में, आपके लगाने के समय के 1 से 1.5 साल बाद जो है आपका ट्रांसफर यहाँ पर कर दिया जाता है। आप जहाँ भी जाना चाहते हैं, जहाँ पे आपकी स्पॉस काम करती है, तो वहाँ पे आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर जा सकते हैं इस स्पॉस कोटा ट्रांसफर के माध्यम से।
अब बात करते हैं इंटर डिविजनल ट्रांसफर, ये भी जो है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर का ही एक पार्ट है इंटर डिविजनल ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए आप किसी भी जोन में ज्वाइन करते हैं, जैसे भारतीय रेलवे में कई सारे जोन हैं, आप किसी भी जोन में ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है उस जोन में कई सारे डिवीजन होते हैं। जैसे हम बात करते हैं साउदर्न रेलवे का, यहाँ पर अगर आप चेन्नई बोर्ड का बात करें तो यहाँ पर 5-6 डिवीजन है। इसमें क्या 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 डिवीजन है, एक तो चेन्नई हो गए, मदुरई हो गई, तिरुची हो गई, पालघाट, त्रिवेंद्रम। तो जिस भी आप बोर्ड में जिस भी जोन में आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर कई सारे डिवीजन होते हैं, 5-6 डिवीजन होते हैं। तो जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं हम चेन्नई बोर्ड का, तो मान लीजिए कोई भी इम्प्लॉई जो है यहाँ पर चेन्नई बोर्ड के चेन्नई डिवीजन में ज्वाइन करता है और उसका जो घर है चेन्नई बोर्ड के मदुरई डिवीजन में है, तो अपना जाहिर सी बात है वो अपने घर के पास जाना चाहेगा, वो अपना डिवीजन चेंज करना चाहेगा। तो आप अगर किसी भी जोन के अंदर अपना डिवीजन चेंज करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए उसे चेन्नई से मदुरई जाना है, तो आप बिल्कुल वो भी आप चेंज कर सकते हैं। इसे ही यहाँ पर इंटर डिविजनल ट्रांसफर कहा जाता है और इस ट्रांसफर के लिए जो है यहाँ पर कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं रखी गई है। जैसे ही आप इंडियन रेलवे में ज्वाइन करते हैं और आपकी एम्प्लॉयमेंट नंबर और HRMS ID जो है यहाँ पर क्रिएट होती है, उसके बाद बिल्कुल आप एलिजिबल हो जाते हैं आप इंटर डिविजनल ट्रांसफर के लिए। आप अपना डिवीजन यहाँ पर चेंज करा सकते हैं और इसमें जो है कुछ ज़्यादा समय इसमें भी नहीं लगता है। जैसे ही आप अपना अप्लाई करेंगे तो मिनिमम 6 महीने में ये हो जाती है और अधिक से अधिक 1 साल, यानी कि 6 महीने से 1 साल में आप अपना उस जोन के अंदर आप अपना डिवीजन जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तीसरा होता है इंट्रा डिवीजन ट्रांसफर। अभी जो हम लोगों ने देखा था वो था इंटर डिवीजन ट्रांसफर और ये है इंट्रा डिवीजन ट्रांसफर, जिसे हम लोग नेम नोटिंग के भी नाम से जानते हैं। इसे जो है यहाँ पर रेलवे ने रिसेंटली ही ऐड किया है और ये भी जो है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर का ही पार्ट है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी भी जोन में ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे उस जोन में जो है वहाँ पर 5-6 डिवीजन होती है, तो वहाँ पर क्या होता है जैसे ही आप किसी भी जोन में जाएंगे तो आपको वहाँ पर एक जो है डिवीजन जो है पार्टिकुलर डिवीजन आपके लिए एक अलॉट होता है। और जैसे ही आप उस डिवीजन में ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर उस डिवीजन के अंतर्गत भी कई सारी स्टेशन होती हैं। जैसे मान लीजिए इससे पहले जो अभी हम बात कर रहे थे साउदर्न रेलवे चेन्नई बोर्ड के बारे में, तो जैसे ही मान लीजिए कोई अगर एम्प्लॉय चेन्नई बोर्ड में आता है तो यहाँ पर 5-6 डिवीजन होती है, तो उसे जो है एक पार्टिकुलर डिवीजन मिलेगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि चेन्नई बोर्ड में 5-6 डिवीजन है, जिसमें एक चेन्नई बोर्ड का चेन्नई डिवीजन भी है। तो जैसे ही कोई एम्प्लॉय चेन्नई बोर्ड के चेन्नई डिवीजन में ज्वाइन करता है तो चेन्नई डिवीजन में ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पर एक ही स्टेशन होगा, उस डिवीजन के अंतर्गत भी कई सारी स्टेशन है। जैसे मान लेते हैं ABCDEF, ऐसे ही करके यहाँ पर 10-12 स्टेशन होती है किसी भी डिवीजन के अंतर्गत। तो जैसे मान लीजिए किसी भी इम्प्लॉय की यहाँ पर जो ज्वाइनिंग होती है उस डिवीजन के ए स्टेशन पर ज्वाइनिंग होती है और वो जो है इम्प्लॉय वो उसी डिवीजन के जी स्टेशन पर जाना चाहता है, मतलब वो अपने ही डिवीजन के अंतर्गत वो अपना स्टेशन चेंज करना अगर चाहता है, तो इसे ही हम लोग यहाँ पर इंट्रा डिवीजन ट्रांसफर के नाम से जानते हैं। और इस ट्रांसफर के लिए भी यहाँ पर कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं होता है। जैसे ही आप भारतीय रेलवे में ज्वाइन करेंगे और आपका HRMS ID जो होता है और फिर एम्प्लॉयमेंट नंबर ये सब जैसे ही क्रिएट होता है, जो कि आजकल अब ऑनलाइन हो रहा है, तो ये जैसे ही आपका क्रिएट हो जाता है इसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप अपना जो है ये स्टेशन चेंज कर सकते हैं, जिसे हम लोग इंट्रा डिवीजन ट्रांसफर के नाम से जानते हैं। और इसमें भी जो है ज़्यादा समय नहीं लगता है, इसमें जो है मैक्सिमम आपको 5 से 6 महीने में आपकी ये इंट्रा डिवीजन ट्रांसफर जो आपका स्टेशन जो चेंज होता है, आप अपने ही डिवीजन में जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना चाहते हैं तो ये आप इसके लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है, 5 से 6 महीने में आपका स्टेशन जो है आप अपने मनचाहे जगह पर जा सकते हैं और आप अपना ट्रांसफर जो है ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो भी ट्रांसफर के प्रकार देखा है ये सभी के सभी ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के अंतर्गत आता है। इसके अलावा रेलवे में ट्रांसफर का जो है एक और तरीका होता है जिसे हम लोग म्यूचुअल ट्रांसफर के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हम लोग विस्तार से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे ताकि ये वीडियो जो है ज़्यादा यहाँ पे लंबी ना हो। बाकी ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर से संबंधित अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसे बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए, वहाँ पर हम आपको वहाँ पर रिप्लाई के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे, नहीं तो उसे हम अगले वीडियो में उसे डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में आप इसे शेयर कीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं किसी हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।